नमस्कार, हमारे साथ हैं कपिल गुप्ता। कपिल गुप्ता NEETPREP.com के फाउंडर हैं, IIT दिल्ली के स्टूडेंट रहे हैं, और हम लोगों ने मिलकर एक प्रयास किया कि नीट 2018 का जो रिज़ल्ट आया उसके बाद बच्चों को बता सके कि इस एग्ज़ाम के बाद आगे के क्या रास्ते हैं। दूसरा, हमने एक प्रयास किया NEETPREP.com पर कि देश के जो सबसे अच्छे टीचर्स हैं उनके वीडियोज़ बच्चों को दे सकें। तो कपिल, आप नीट 2018 में आज जो रिज़ल्ट आया उसके बाद आप बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? पहली चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि जब एग्ज़ाम का रिज़ल्ट किसी भी दिन आता है तो बच्चों को ये समझना चाहिए कि उन्हें पता चल जाएगा कि किस जगह पे वो खड़े हैं। उन्होंने अच्छा किया, ख़राब किया, इतना फ़र्क नहीं पड़ता। उन्हें आगे का रास्ता ढूंढना और आगे चल पड़ना है। 17 साल उम्र के ये बच्चे हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि पता नहीं क्या हो गया, आगे क्या होगा। एग्ज़ाम है, सिर्फ एक दिन है, बहुत आगे इनकी ज़िंदगी पड़ी है। आगे बढ़ना और सोचना है कि सही रास्ता। नीट का एग्ज़ाम क्या है? नेशनल एलिजिबिलिटी का एंट्रेंस टेस्ट है। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने इस एग्ज़ाम को इन्वेंट किया और कहा कि अब सारे बच्चे जो MBBS करना चाहते हैं, BDS करना चाहते हैं, सिंगल एग्ज़ाम। तो इस देश में जो बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है वो नीट का एग्ज़ाम लिखता है क्लास 12th के बाद, और लगभग 13.5 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम लिखा। हर राज्य के बच्चों ने एग्ज़ाम लिखा, 10 भाषाओं में एग्ज़ाम लिखा। अब ये बताइए कि आज जो रिज़ल्ट आया है इसमें कट ऑफ के हिसाब से किस तरीके से बच्चों को सोचना चाहिए कि क्या कॉलेज मिलेगा, जो बच्चे बॉर्डर लाइन पे उन्हें किस तरीके से सोचना चाहिए, और जो अच्छा नहीं कर पाए उन्हें क्या सोचना चाहिए? देखिए, पहली चीज़ यह है कि पिछले बार के मुकाबले पिछले बार एकदम से कट ऑफ बढ़ के 560 हो गया था, वापस थोड़ा मॉडरेट हुआ है। 540 के आसपास इस बार जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ होगा। SC ST का आप यानी ये जो 540 आप कह रहे हैं, पूरा एग्जाम चार विषयों का होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, कुल मिला के 720 मार्क्स का ये एग्जाम होता है। उसमें जिस बच्चे ने 540 स्कोर किया वो कट ऑफ है, उसको ऑल इंडिया लेवल पे गवर्नमेंट कॉलेज का सीट मिल जाएगा और बाकी लोग को स्टेट काउंसलिंग के ऊपर डिपेंड करना। और इसमें एक एलिजिबिलिटी भी होता है। देखिए, एलिजिबिलिटी बहुत ज़बरदस्त है। एलिजिबिलिटी ये कह रही है कि जिसके 119 नंबर नहीं है 720 में से, कृपया वो डॉक्टर बनने की कोशिश ना करें, पेशेंट खतरे में है। तो इसका मतलब कि जो 720 में से 119 से ज़्यादा जो नंबर लेकर के आया है वो बच्चा डॉक्टर बन सकता है, लेकिन वो भी नंबर कोई बहुत ज़्यादा तो नहीं है, वो 15-16% नंबर है पूरे मार्क्स के। अब देखिए, इसके अंदर यही समझने की बात है, गवर्नमेंट ये कह रही है कि मैं प्राइवेट कॉलेज को तो नहीं कह सकती कि 1% एक सर्टेन नंबर के बियॉन्ड ये आप करिए, शायद सारे लोग अफोर्ड ना कर पाए प्राइवेट कॉलेज। तो ये प्राइवेट कॉलेजेस के लिए एक अपॉर्चुनिटी खोलता है कि वो एक वाइडर नेट के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। 119 नंबर का मतलब है 17-18% नंबर आपके नीट के एग्जाम में आ रहे हैं। 540 नंबर, लेकिन ये कैटेगरीज के हिसाब से अलग अलग होगा, राज्यों के हिसाब से भी इसमें कट ऑफ अलग अलग होगा। राज्यों के हिसाब से अलग हो जाता है, पर कुछ राज्य जिन्होंने मेडिकल कॉलेजेस का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में अच्छा काम किया, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, वहाँ पे जनरली पूरे बाकी जो राज्य, बिहार, उत्तर प्रदेश, जहाँ पे तो जहाँ पर जिन राज्यों में ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ पर ये कट ऑफ थोड़ा नीचे रहेगा एज अ परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, अब ये जो कैटेगरीज है उसके हिसाब से कट ऑफ कैसे अलग अलग है? 540 जनरल, आप मान लीजिए 440 के आसपास SC का होगा, ST का और 20 कम, OBC का इतना फर्क नहीं पड़ता, 540 की जगह 535 हो जाएगा ऑल इंडिया लेवल पे। फिर भी अगर 720 में से इतने नंबर पे कट ऑफ आया, 13 लाख बच्चों ने एग्जाम लिखा, लगभग 30,000 सीटें हैं सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में, तो कॉम्पिटिशन बहुत मुश्किल है, लेकिन ये सरकारी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का फासला इतना बड़ा क्यों है? फासला फंडामेंटली इसलिए इतना बड़ा है कि पहली चीज़ ये है, गवर्नमेंट कॉलेज मौलाना आज़ाद में साल की फ़ीस 3 लाख रुपए है, और आप किसी साल की फ़ीस 3,000 रुपए है, और आप किसी प्राइवेट कॉलेज में जाएंगे, अच्छे प्राइवेट कॉलेज में साल की फ़ीस 15-20 लाख रुपए है। यानी एक साधारण परिवार का डॉक्टर का बच्चा प्राइवेट कॉलेज में जाके डॉक्टर नहीं बन सकता, बिल्कुल नहीं बन सकता, तो उसे मेहनत करनी पड़ेगी सरकारी कॉलेज में। अब जो बच्चे नीट 2019 की तैयारी कर रहे हैं उन्हें किस तरीके से इस एग्जाम को देखना चाहिए? क्या केवल बड़े शहरों के बच्चे जिनके पास बहुत महंगी कोचिंग है वही नीट की तैयारी कर सकते हैं, कि एक आम बच्चा जो सरकारी स्कूल में पढ़ता है छोटे शहर में वो भी नीट की तैयारी कर सकता है? देखिए घनश्याम, बहुत सीधी सी बात है, एक कैकोफोनी हो गई है कोचिंग की। ये मान लिया गया है कि आपकी जेब में 1.5 लाख रुपया है तो आपके बच्चे का नीट में एडमिशन हो जाएगा। मुद्दा यह है कि बच्चा यदि सेल्फ स्टडी कर सकता है, ये एग्ज़ाम कंसिस्टेंसी एक्सपेक्ट करता है, डिसिप्लिन एक्सपेक्ट करता है। आज बच्चों के पास ऑनलाइन वीडियो कोर्सेज अवेलेबल है, जैसा आपने शुरू में बताया, हम लोग ये NEETPREP.com पे कोर्स रन कर रहे हैं। शोपियाँ, लुधियाना में, लुधियाना, फिरोजपुर,
भरतपुर, तो आप कह रहे हैं कि बहुत सारे छोटे शहरों के बच्चे भी वीडियो के माध्यम से पढ़ रहे हैं, लेकिन कितना पढ़ना पड़ता है? क्या एक महीने में आप नीट की तैयारी कर सकते हैं, एक साल में नीट की तैयारी कर सकते हैं, कि दो साल लगते हैं, कितना समय लगता है? एक महीने में हर हालत में नहीं कर सकते, आपको वापस तैयारी करनी पड़ेगी। एक साल में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, दो साल करेंगे तो आप आराम आराम से छोटे छोटे चंक्स में तैयारी पूरी कर सकते हैं। तो ये एग्ज़ाम जो है 97 चैप्टर है नीट के सिलेबस में, ये दो साल की आपसे तैयारी दिन के 3 से 4 घंटे 720 दिन पढ़ाई मांगता है। तो एक अंतिम सवाल कि जो बच्चे बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, इस बार से सरकार ने नियम बनाया है कि उन्हें भी नीट का एग्ज़ाम लिखना पड़ेगा, ये नियम क्यों बना? ये नियम इसलिए बना है कि जो बाहर जाते हैं, बहुत सारे उनमें से वापस आना चाहते हैं, वो क्योंकि प्राइवेट कॉलेज अफोर्ड नहीं कर सकते और गवर्नमेंट कॉलेज में हुआ नहीं, ये एक मीडियम ऑप्शन है बीच में। आप चाइना जाएंगे 15 से 20 लाख में एडमिट, तो इन बच्चों को जाने से पहले नीट के एग्जाम में क्वालिफाइंग नंबर होना चाहिए, उसके बाद वो वहाँ पढ़ाई पूरी करेंगे, वापस आएंगे तो उन्हें पुनः एग्जाम लिखना पड़ेगा यहाँ पे डॉक्टर की प्रैक्टिस करने के लिए। अंतिम सवाल जो कि नीट 2019 के बच्चों के लिए है, आज जो बच्चे नीट में साधारण करके है, क्या उनके पास नीट के अलावा और भी ऑप्शन है या उन्हें दोबारा तैयारी करनी चाहिए? दोबारा तैयारी करनी चाहिए तो क्या सोचना चाहिए उन्हें? देखिए, नीट के अलावा दो और ऑप्शंस क्या है, बहुत सारे अलाइड मेडिकल साइंसेज हैं, आयुर्वेदा हुआ, होम्योपैथी हुआ, यूनानी हुआ, वेटनरी हुआ, फिर आजकल नई नए जो कोर्सेज आ रहे हैं, फूड टेक्नोलॉजी हुआ, फिजियोथेरेपी हुआ, इवन बायोलॉजी के स्टूडेंट साइकोलॉजी में तो बहुत और भी तमाम ऑप्शंस हैं। बिल्कुल, बच्चा सोच सकता है कि उसे उन ऑप्शंस पे देखा जाए कि और तैयारी की जाए। ये हमारे देश में क्या जितने मेडिकल कॉलेजेस होने चाहिए उतने हैं कि जरूरत के हिसाब से और मेडिकल कॉलेज होने चाहिए? देखिए घनश्याम, यदि 13.5 लाख लोग एग्जाम लिख रहे हैं, 30,000 गवर्नमेंट कॉलेज सीट है, तो कहीं पे तो बहुत बड़ा गैप है। आइडियली ये वाला नंबर कम से कम 80,000 से 90,000 होना चाहिए, पर आप ये समझ लीजिए एक गवर्नमेंट कॉलेज जिसके अंदर 100 से 150 सीट होंगी, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का खर्चा 700 करोड़ है। तो यानी कि सरकारों को और काम करना पड़ेगा, देश में और मेडिकल कॉलेजेस आए, इसके लिए कॉम्पिटिशन बहुत टफ है, लेकिन अनेक नए तरीके आ गए हैं जिससे एक छोटे शहर का बच्चा भी प्रयास करे तो वो मेडिकल की तैयारी कर सकता है। एक साल से दो साल की लगता है वो तैयारी करने में, और तमाम अनेक जैसे कपिल IIT से हैं, ऐसे अनेक लोग प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी शहर में बच्चा किसी भी स्तर जीवन स्तर हो उसमें अगर मेहनत करे तो वो एक डॉक्टर बनने का ख्वाब देख सकता है। और मैं ये जरूर बताना चाहूँगा कि इस एज पे बच्चे को यदि सही पढ़ाई मिल गई तो वो खुद को उस जगह से बाहर निकाल सकता है जहाँ पे वो पैदा हुआ था, और अपने माँ बाप, अपनी सोसाइटी को आगे बढ़ा सकता है। तो इस हिसाब से ये एग्जाम एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम है, और बच्चे को यदि मौका मिले। कपिल, बहुत बहुत धन्यवाद आप जुड़े। एक अंतिम बात बच्चों से कहना चाहूँगा, अक्सर कई बार जो बच्चे मेहनत करते हैं और निराशा होती है एग्जाम में, हमें सुनने में आता है किसी बच्चे ने आत्महत्या कर ली। देखिए, इस दुनिया में ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसके लिए आपको आत्महत्या करनी पड़े, तो हर एग्जाम आपको अंदर से बुलंद करे, इसका प्रयास कीजिए। किसी भी एग्जाम में इतना निराश मत होइए कि लगे कि आगे कुछ नहीं कर सकते, ऐसा दुनिया में कोई एग्जाम नहीं बना जिसके लिए जान गंवानी पड़े। धन्यवाद। धन्यवाद।